पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में आज भारत के अंदर खेल और खेलकूद से जुड़ी हुई गतिविधियों में बहुत परिवर्तन आया है। खेलो इंडिया खेलों का मत का हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, फिट इंडिया मूवमेंट हो, ये सभी खेल और खेलकूद की से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने भी अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन के साथ जोड़ने का कार्य किया है। बड़े पैमाने पर आज एक कार्यक्रम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, रोइंग प्रतियोगिता के लिए, उसके प्रशिक्षण के लिए रामगढ़ ताल तो अपने आप को तैयार करेगा ही, उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक जल स्रोतों का और जल संसाधनों का कमी नहीं है, ढेर सारी झील हमारे पास है। एक अवसर मिलेगा तो मुझे लगता है हर जनपद में इस प्रकार की झील उपलब्ध हो सकती है और उसका लाभ रोइंग प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रहे सभी युवाओं को प्राप्त हो सकता है। खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं और ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो, हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम हो, जनपद स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो, इन कार्यक्रमों को तो सरकार युद्ध स्तर पर बढ़ा ही रही है। ग्राम पंचायत को जो धनराशि उपलब्ध होती है उस ग्राम पंचायत की केंद्रीय और राज्य वित्त से जुड़ी हुई योजना के बारे में प्राथमिकता तय करते समय ग्राम पंचायत से यह भी कहा जाता है कि खेल का मैदान और ओपन जिम के लिए वे अपने आप को तैयार करें, क्योंकि ये गतिविधियां रहेंगी, खेल और खेलकूद से जुड़ी हुई गतिविधियां रहेंगी तो बच्चे नकारात्मक दिशा में नहीं जाएंगे और आज तो इसमें कैरियर भी शानदार है।